नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे मॉनसून की विदाई की। बिहार में हो रही बारिश अब थमने वाली है। मौसम विभाग की माने तो जल्द ही मॉनसून की विदाई के संकेत दिए हैं। विभाग की माने तो 8 अक्टूबर से मॉनसून की वापसी की यात्रा शुरू हो जाएगी। वहीं अभी कुछ इलाकों में बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। ऐसे में विभाग की माने तो पूर्वी चंपारण में बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जिलों के अलावा कहीं भी बारिश की कोई संकेत नहीं है। विभाग की माने तो आने वाले 10 दिनों में मॉनसून की पूरी तरह से वापस जाने की संभावना जो है जताई गई है। फिर भी पश्चिमी हवाएं ठंड लेकर आएंगी। वैसे तो 30 सितंबर से मॉनसून की विदाई होती है, लेकिन इस बार पोस्ट मॉनसून में जमकर बारिश हुई। इस बारिश का असर ठंड पर पड़ेगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि ठंड से पहले आने के साथ साथ अधिक प्रभावी होने का भी पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि देश के में मॉनसून के वापसी के साथ ही नमी में कमी आएगी और दक्षिणी पूर्वी हवाओं की तीव्रता कमजोर रहेगी। इससे मॉनसून शुष्क रहने वाला है। इस दौरान समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित पश्चिमी हवाएं धीरे धीरे जमीन की तरफ आने लगेंगी, जिससे तापमान में तेजी से गिरावट होगी और ठंड की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि मॉनसून में पिछले कुछ दिनों से रात के तापमान में गिरावट देखी जा रही है, जिससे सुबह लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है। इधर मौसम विभाग की माने तो आने वाले 10 दिनों में पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, जो मौसम को ठंडा करने में काफ़ी सहायक होगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि मॉनसून की तरह ठंड भी इस बार पहले ही आ जाएगी। हालांकि मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगले 10 दिनों में अगर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव रहा तो ठंड बढ़ सकती है। इसके बाद ठंड की स्थिति भी साफ हो जाएगी। मौसम विभाग के निदेशक विवेक सिन्हा का कहना है कि देश के पश्चिमी हिस्से से यानी कि राजस्थान गुजरात से मॉनसून की वापसी शुरू हो गई है। पंजाब दिल्ली होते हुए देश के अन्य हिस्सों में अपना प्रभाव दिखाएगा, यानी कि एक तरह से कह लें कि मॉनसून जो है अब देश से लौटने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक पोस्ट मॉनसून के दौरान ही राज्य के पूर्वी हिस्से में स्थित सुपौल, अररिया, भागलपुर, बांका, मुंगेर में हल्की बारिश होने के आसार हैं, जबकि राज्य के 28 जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। तो एक तरह से कह लें कि अब जो है मौसम विभाग ने यह साफ कर दिया है कि बारिश का जो महीना है, मॉनसून का जो महीना है, वो अब खत्म होने वाला है और अब जो है सर्दी जो है धीरे धीरे एक तरह से कह लें कि दस्तक देना शुरू करेगा। अब लोगों के शरीर पर से जो है एक बार स्वेटर चढ़ना शुरू होगा। हालांकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि विदाई का जो समय है उसके लिए जो है वो 10 दिन अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही दक्षिणी पश्चिमी हवाएं जो है वो जब आनी शुरू होगी, तब जो है प्रदेश में एक बार फिर से जो है ठंड की दस्तक होगी और बारिश का महीना कह लें कि वो एकदम से खत्म हो जाएगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।